नमस्ते दोस्तों, मैं मीना, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पकौड़े। इसके लिए मैंने बारीक कटा आलू, प्याज और हरी मिर्च ली है। इन तीनों को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और ये एक कटोरा बेसन लिया है। और ये सौंफ ली है, ये जीरा है, ये अजवाइन है। अब हम पकौड़ों का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हम बेसन के अंदर ये सौंफ, अजवाइन और ये जीरा डाल देंगे। स्वाद के अनुसार लाल मिर्च, ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। ये नमक है स्वाद के अनुसार। और अब हम ये इस सब्जी को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमें इसको ऐसे मिक्स कर लेना है पहले अच्छे से, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए, ये हमें इसी तरह का घोल तैयार करना है पकौड़ों के लिए, इस तरह का। अब पकौड़े तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें इसे मीडियम आंच पे ही रखना है ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से अंदर तक सिके। ये देखिए, ये हमें बहुत धीमी आंच पे पकाने हैं। ये हमें पकौड़े इसी तरह धीमी आंच पे फ्राई करने हैं। ये देखिए, ये हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह धीमी आंच पर सेकने से ये बहुत अच्छे सिकते हैं, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं पकौड़े। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे मिक्स वेज पकौड़े बनकर अब बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।